हमारे यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही, हम लाखों सुना दें तो कोई बात नहीं, अगर बीवी एक भी सुना दे तो हमारी जुबान पर फौरन यही जुमला आता है कि बकवास बंद कर, अगर ज्यादा बात की तो पर्ची हाथ में पकड़ा कर गेट से बाहर निकाल दूंगा। ना मियां ना, जिस औरत को मेरे नबी ने इज्जत दी थी, अगर उसकी इज्जत नहीं कर सकता तो ना कर, उसको बेइज्जत तो ना कर। एक शख्स एक बुजुर्ग के पास आया, कहने लगा हजरत मेरी बीवी के अंदर एक खामी है लिहाजा मुझे अच्छी नहीं लगती। कहा कितना अरसा हो गया है शादी को? कहा जी 10 साल हो गए। बुजुर्ग ने कहा अच्छा फिर मुझे बताया जाए कि तेरे घर से निकलने के बाद तेरे बच्चों की देखभाल कौन करती है? कहा जी मेरी बीवी करती। तेरे कपड़े कौन धोती है? तेरा जूता पालश कौन करती है? कहा जी वो भी मेरी बीवी ही करती। कहा तेरे घर की सफाई सुथराई, तेरे घर के बर्तन कौन मांजती है? कहा जी वो भी मेरी बीवी ही करती। ये सुनने के बाद फकीर बोला भाई अफसोस की बात है, उसके पास हजारों खूबियां हैं, अगर एक खामी तेरे सामने आ भी गई है तो उसकी हजारों खूबियों पर पानी फेर के उसका गिला करते हुए तुझे शर्म नहीं आती?